बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम अदनान खोखर है और मेरा तलक जिला जेलम की तहसील पिंड दादन खान से है। दोस्तों, आज से तकरीबन 2 साल पहले मुझे बैरून मुल्क जाने का, यूरोप कंट्री में जाने का बड़ा शौक था, क्योंकि मेरे दोस्त जो काफ़ी टाइम से वो यूरोप कंट्रीज़ में थे और वो गैर कानूनी तरीके से, आम लफ्ज़ों में कहा जाए तो डंकी लगा कर बाहर गए थे। तो उसी सिलसिले में मेरा भी बड़ा दिल था कि मैं भी इसी तरीके से, एक तो पैसों की जो बचत थी तो मेरा भी दिल था कि मैं भी इसी तरीके से बाहर जाऊं। मेरा यहाँ पे एक जाने वाला दोस्त था जिससे उसने मेरा एक बंदे से रब्ता करवाया और उसने मुझे बताया, बड़े सुनहरे ख्वाब दिखाए कि कम पैसों में आप यूरोप कंट्री में जाएंगे, वहाँ पे पहले भी जो है मैंने बंदे भेजे हैं और वो आज जो है वो अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो मुझे भी जुनून था, बस मैं भी उसी सिलसिले में गया। जब हम यहाँ से गए तो हम तकरीबन ठीक थे, जब हम बॉर्डर पर गए तो यकीन करें हमने ऐसे हालात देखे हैं। जब ईरान इराक के बॉर्डर के दरमियान हम पहुंचे, चलती गाड़ियों से हमें फेंका गया, चलती गाड़ियों पे हमें कहा गया कि आपने चलती गाड़ियों पे बैठना है। एक हमने यकीन आप इस तरह करें कि हमने मौत को बड़े करीब से देखा है, और ऐसा ऐसा टाइम भी आया है कि हमने सिर्फ चने और पानी पे गुजारा किया है। तो मैं अपने दोस्तों को यही कहूँगा कि जो डंकी है वो आप लगा कर बाहर ना जाएँ, इसमें बहुत ज़्यादा खतरा है। आप यकीन करें कि आप बिल्कुल मौत के करीब से वापस आते हैं। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ एम वालों का और MRC का, जिन्होंने मुझे, उनका सेमिनार मैंने अटेंड किया और उसमें वही बातें सारी बताएंगी जो मेरी अपनी आप बीती थी।